इसका 50 मैजिक जब बुक निकलेगा उसके सब में कोशिश करूंगा कि कैसे भी निकल आए और बच्चों को ये सुन के इंस्पिरेशन मिले कि वो भी लिखना शुरू करे, सोचे और चर्चा करे, इस चीज का चर्चा हो। ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई भी यहाँ कोई भी बच्चा है जो हमसे भी अच्छा लिख सकते हैं, मगर उनको हमको यकीन दिलाना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुमसे होगा। संगीत सम्मेलन में भूख गया था, उसमें व्रत बंदिश में महीने का उल्लेख था, जून जुलाई ऐसा, तो वो एक उसका रिस्पांस कैसा मिला आपको? ये हम भूल गए। पिछले वर्ष आपने संगीत सम्मेलन में बॉम्बे कॉन्सर्ट में गाया था, भूपाली गाया था, हम भूल गए कौन सा बंदिश गाया था, क्योंकि आपकी दया में मतलब हर रात में मैं 20-25-30 कॉम्पोजिशन सीखने का कोशिश किया और हर एक से मशहूर भाई से भी मैं कितना बंदिश किया और बच्चों से भी लेते रहते हैं, कोशिश करते हैं, याद नहीं है, माफ कीजिए। और कोई सवाल? मैं सवाल तो नहीं, आपके इतने सुंदर समाधान के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। और 25 को आप 50 पूरे कर रहे हैं, 50 के 100 हों, 100 के 1000 हों, ये और आपने बड़ी सुंदर बात कही कि रचना नहीं करते हैं, सब हमारे संस्कारों में होता है, उसका केवल संयोजन हम लोग कर सकते हैं। संगीत में यही संयोजन तो महत्वपूर्ण है, सुर लय ताल उसके साथ शब्द और अर्थ का। मेरी आपसे जानने की यही इच्छा थी, उसको आपने सुंदर ढंग से समझाया और आपकी ये बात आपको सुनने वाले सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे संगीत का 50% भक्ति तो है ही है, जो ये 50% श्रृंगार हो गया था, उस श्रृंगार को एक अच्छी दिशा में ला सकें तो अच्छा होगा। और नए नए विषय जैसे अभी आपने बंजन ने बताया वैसा हम करें, ये प्रेरणा आपसे मिली है, सभी लोगों की ओर से धन्यवाद। श्रृंगार भी हमारे भक्ति का ही एक रूप है, श्रृंगार के द्वारा हमने भक्ति का ये परंपरागत जितनी भी बंदी बहुत सारी बनाई है। मैं ये चाहता हूँ अब कि कुछ युवा पीढ़ी के लोग, बच्चे जो गा रहे हैं सीख रहे हैं, वो भी कुछ प्रश्न पूछें। बोलो बोलो बोलो। नमस्कार दादा, हम खैरागढ़ से स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो आपने जो कहा कि आवाज रियाज के द्वारा नहीं जा सकती, तो वो बात हमें समझ में नहीं आई। अगर आप उसका एक उदाहरण दे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। और दूसरी बात ये कि आपने जो जैसा कि हमारे पत्रकार भाई ने कहा कि आज गुरु शिष्य परंपरा में जैसा होता था वो नहीं हो रहा है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। कुछ वैसे बच्चे ऐसे हैं जो गुरु की तलाश कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो गुरु को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, है नहीं, ये उनका दुर्भाग्य है या कुछ भी कारण हो सकता है। तो जो बच्चे इंस्टीट्यूशनल सीख रहे हैं वो अच्छी आवाज़, अच्छा रियाज और बिना गुरु को ढूंढे हुए उस चीज़ को अपनी तरह से पा सकते हैं, तो ऐसा कोई उपाय आप बताएंगे या ऐसा कुछ स्पष्ट करेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सब कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, इसमें उनकी गलती है, तो इसका समाधान आप, मेरी दो बातों का समाधान कीजिए। हम सब बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे सर। बिल्कुल तुमने बहुत अच्छे सवाल पूछा, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा, मगर उसके पहले आप यहाँ आकर बैठ गए, इसका थियोरेटिकल बात नहीं होगा। आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस देन ओनली आई गिव यू। आप यहाँ बोलिए, आपका सवाल पूछ लीजिए। तक नहीं अभिजीत जोशी, अच्छा
दरअसल मैं एक मुझे दिखता नहीं है तो कोई बात नहीं, माता जी ने मुझे सब कुछ शब्दों के माध्यम से ही बताया जी। और जैसे जिन संस्कारों की बात आपने की उन संस्कारों से ही उन्होंने बताया, फिल्मी गीतों के द्वारा ही उन्होंने रिकॉर्ड्स के थ्रू मुझे बताई। परंतु अब मेरी परेशानी ये हो गई कि वह आधारभूत संगीत नहीं था और यह कहा गया कि आधारभूत संगीत नहीं, आप आधारभूत संगीत को तलाशिए। आज ये स्थिति हो गई है कि आप तो आकर बताकर चले जा रहे हैं, इसके बाद मुझे कोई यहाँ बताने वाला नहीं होगा क्या मेरा अभ्यास कैसा चल रहा है, फीडबैक देने वाला कोई नहीं होगा, लिखा हुआ मेरे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि पढ़ना मेरे लिए कठिन होता है। तो अब यह बताइए कि अब जब आप ऐसे लोग आकर बोलते जाते हैं तो आप लोग कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि हम जैसे लोगों को यह हम लोग आपसे संपर्क रख सकें और हम लोगों को आपसे फीडबैक भी मिलता रहे और हम लोग गाने का अभ्यास बराबर रख सकें। आज मेरी तरफ यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अपनी पढ़ाई लिखाई और अन्य कार्यों में भी मुझे डिस्टर्बेंस का अनुभव हो रहा है। जब मैंने कल आपका गाना सुना तो मैं आज सुबह भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया, जयरक्ष में PhD कर रहा हूँ फिलोसफी में। तो इस चीज़ का समर्थन आप मुझे अवश्य करिए। इनके प्रश्न का मैं कुछ हद तक कोशिश कर सकता हूँ, आगे अजय जी इनको लेके बताएंगे। ये जो आपकी समस्या है कि सही चीज अजय जी बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, आपके समझ में भी आ रही है कि ये सही चीज है, लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं है, ये एक समस्या है। मैं अपने अकादमी के ओर से इतना जरूर कह सकता हूँ कि समय समय पर आप अगर चाहें तो हमारे वहाँ आ सकते हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ आकर आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक शायद इसी तरह पहुँच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकते। उसका एड्रेस आप देंगे हमको? ज़रूर देंगे, आप कार्यक्रम के बाद या यहाँ सांस्कृतिक विभाग में सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उसको आप हमें लिख सकते हैं वहाँ कि आप यहाँ से इस तरह क्या है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, क्योंकि इस कमी कहिए या इस प्रश्न जो ये जो एक समस्या है इसको हम लोग भी समझते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हमने शिक्षा की पद्धति बनाई है, जहाँ दो जो हमारे यहाँ छात्र लोग हैं वो हर रोज अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, अपनी रियाज को उनके सामने ला सकते हैं, उनके रियाज को और हम 10 जो संगीतज्ञ हैं बैठ के उसके एनालिसिस करते हैं, उनको बस समझाते हैं। तो ये मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ। आगे ये बहुत अच्छा बात मुखर्जी साहब ने बताया, और देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपको दिखता नहीं है आपने बोला, मगर आपको शायद हमसे ज्यादा दिखता है, इस बात का भी आप कॉन्फिडेंस लीजिए, क्योंकि मेरे गुरुजी पहले गुरुजी कलाईदास भैया जी वो भी साइंटिस्ट थे, मगर मैं जब कमरे में घुसता था वो बोलते थे अजय आया आओ, इतना उनका इंट्यूशन था। तो आपका जो इंट्यूशन है उसका पूरा मदद लीजिए, जो कि एक दिखता वाला आदमी को नहीं मिलता है। तो साइट एक बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उसके लिए श्रद्धा और प्यार, श्रद्धा छात्र की तरफ से, प्यार गुरु की तरफ से, इसकी जरूरत है। तो उसमें आपको अगर कलकत्ता में गुंजाइश है तो आप उसमें आपको जरूर मदद ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा संस्था हिंदुस्तान में और नहीं है। और मेरे तरफ से मैं सब छात्रों को मैं एक बताता हूँ कि आई एम गोइंग टू पब्लिश सम एजुकेशनल सीरीज इन नियर फ्यूचर, जिससे जिसकी ये कब होगा, 6 महीने में होगा या साल में होगा, आई कैन नॉट से। और मैं इतना जगह जाता हूँ, सब लोग पंजाब में, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, कोने कोने में सब लोग बोलते हैं ये सवाल, और आई फील वेरी गिल्टी कि अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसा ने बहुत कोने कोने में जाके ऐसा प्रोग्राम सालों तक आयोजन किया जिसमें हम भी शुरू से हैं, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट स्कॉलर ऑफिसर। मैं हर कोने शोलापुर, बीजापुर, बिदार, गुलबर्गा, सागर, दातिया, ये सब जगह में जाके हमने गाना गाया और इसका टेस्ट पैदा करने का कोशिश किया। तो इसके द्वारा एजुकेशन सीरीज भी मैं बना रहा हूँ, इसके द्वारा आपको मदद मिलेगा। और ऐसा में जब मुखर्जी साहब ने बोला आप जिन जिन को आने का इच्छा है आपका परीक्षा से आप कैसे भेजिए, कैसे आपको
कितना क्या स्टैंडर्ड है, उसके लिए क्या मदद हो सकता है या किस हद तक हो सकता है, उसका भी निर्णय किया जा सकता है और उसके बाद आपको मदद पहुंचाया जा सकता है। सर, दोनों बच्चों की बातें सुनकर ये बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहर में संगीत नाम की कोई चीज़ नहीं है जो बच्चों को आगे बढ़ा सके, मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि यहाँ पर हर विषय के लिए पारंगत लोग बैठे हुए हैं, बताने वाले बैठे हैं, अगर बच्चा उतना कर ले और फिर आप तक पहुँचे या उससे आगे पहुँचे तो बात समझ में आती है। और केवल ये कह देना कि यहाँ पर कुछ नहीं है, हमारा मार्गदर्शन कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप तो भूल कर चले जाएंगे, ये बात नहीं जमती, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जमती। इवन तबले के लिए यहाँ पर एक से एक कलाकार है, संगीत गाने के लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उसके अलावा संगीत समझाने के लिए, इसकी थ्योरी समझाने के लिए एक से गुणी कलाकार, जो गुणवंत माथा पर भी बात कर रहे थे, वो स्वयं में बहुत माहिर और बहुत माहिर है। तो ये सब बातें दोनों की मेरे मुझे समझ में नहीं आई, आप इसका समाधान बल्कि समझाइश के रूप में करें। नहीं, ये आपने जो कहा बिल्कुल ये सही होगा ही, ये हम मान कर चलते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह संगीतज्ञ लोग हैं। लेकिन उसके अलावे जो भी, क्योंकि हम कुछ बता के चले नहीं जा सकते हैं, हम तो कार्य करते हैं वहीं पर, वहाँ कोई भी आना चाहे उनके बावजूद, तो हम उनके लिए रास्ता खुला रखना चाहते हैं कुछ हद तक, यही है हमारा कहना। अजय जी, एक मिनट आप समाधान करें, फिर से मैं अपनी वही बात दोहराना चाहूँगा जो इस कुटिया ने कहा है। और मजे की बात देखिए और संयोग की बात देखिए, ये अभी वहाँ स्टूडेंट हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में और वहीं से मैंने भी ऑनर्स किया हुआ है और अभी मैं नव भारत में सह संपादक हूँ, तो संजय उपाध्याय मेरा नाम। तो ये जो प्रश्न है, तो ये विगत 14 वर्षों से वो बात जो मैंने प्रश्न आपसे सबसे पहले रखा था कि जो बच्चे गुरु शिष्य परंपरा से सीखते नहीं हैं, जो इस ये शिक्षा पद्धति से संगीत सीखते हैं, तो चाहते हुए भी वो बात उन पर नहीं आ पाती, वो चाह कर भी वो अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन वो जो अप्रोच की आपने बात कही वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या इसके लिए हमने कोई ऐसी पद्धति तैयार की है जो ऐसे बच्चों को वो पद्धति के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके, वही क्वेश्चन था जो अभी ऐसा कोई साइंटिफिक प्रोसेस हमारे देश में जनरल ट्रेनिंग के लिए नहीं बनी है, अवेलेबल नहीं है। साइंटिफिक कोई सिलेबस या प्रोसेस हमारे देश में नहीं है, इसका मतलब है कि कोई गाना नहीं सीखेगा, इसका मतलब है कि हमें साइंटिफिक प्रोसेस मिला तब हमें गाना सीखा, इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में जितना गाना अच्छा है वो साइंटिफिक प्रोसेस में ही जाके किया या गुरु शिष्य परंपरा में ही किया। इसके लिए सबसे जरूरी है छात्र का अपना खोज, कुछ भी कर सकते हैं बच्चा अगर वो सीरियसली चाहे, दौड़ के जाएगा, भाग के आएगा, मरेगा जिएगा सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। वो बेहद जो है आज के बच्चे लोग बहुत कम करने का, उतना दिल में उतना मेहनत का हुआ ऐसा प्रयास कभी नहीं है, नहीं दिखता है। आई कैन प्रूव इट, और मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मैं ऐसा बात करके जाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं हर एक सवाल का जवाब देके फिर जा सकता हूं क्योंकि हमें प्रॉब्लम मालूम है। मैं जब श्रुति नंदन संस्था बनाया था उसका भी जो बेसिक चीज है संगीत रिसर्च अकेडमी से मुझे ट्रेनिंग नहीं है, हमारे कलाकार लोगों को आधे कलाकार लोगों को तंबूरा बजाना नहीं आता है, बात जो कुछ करें हम पूरा के इसको प्रूव कर सकते हैं स्टेज में, देयर इज अ स्टेज देयर इज अ माइक प्रूव। तंबूरा बजाने में आपको कितना टाइम लगता है? तो सबसे पहला शिक्षा देनी चाहिए। तो ये अभी तक क्यों नहीं? क्यों नहीं है? इनका सवाल, इनके दिल में सवाल नहीं आया? नहीं, एजुकेट जहां वो सीख रही हैं, हाँ, ये ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? नहीं, ये तो गलत है, ये तो है नहीं, अवेलेबल नहीं है। क्यों?
देखिए इसका तो क्यों जवाब है, क्यों का कोई जवाब है, मुझे नहीं बैठना जवाब दे। हां इसके इसका देखिए इसको इस तरह क्यों नहीं है, इस पे आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं, सारे मीडिया और समाज तो इसको तो सवाल बड़ा सख्त हो जाएगा है नहीं जिसने फैक्ट सर आपने जब विषय दिया था तो वॉइस कल्चर के बारे में किया था तो मुझे लगता है मैं उसकी तरफ फिर से जाना चाहूंगा। हां बिल्कुल सही। तो कल मैंने आपका वैसे पहले 22-23 साल पहले भी आपका गाना सुना था तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आज उसमें मतलब वो गाना जितना सुंदर था मैं सोचती कि ऐसा नहीं होगा लेकिन उससे कई गुना सुंदर कल का आपका परफॉर्मेंस रहा। लय ताल की जो सिद्धि आपको एक तरह से हुई है ये ईश्वर की कृपा है मैं कहूँगी, हमको सुनने का सौभाग्य मिला। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे अभी मुझे मतलब पता है कैसे मैंने गा दिया अच्छा है तो आपने गवाया हमने गा दिया लेकिन एक स्टेज आती है जिसमें ये चमत्कार जो रहते हैं सुरों के इसके ऊपर की क्या कोई चीज़ ऐसी आपको कभी ऐसा लगा कि इसके ऊपर भी कोई चीज़ हो सकती है, अगर उसके लिए हम प्रयास करना चाहें तो क्या कभी आपके मन में कभी ख्याल आया कि परफॉर्मेंस में एक रहता है रियाज सुर को पक्का करने के लिए गले को तैयार करने के लिए और फिर परफॉर्मेंस उसके आगे की चीज़ एक रहती है जो ऑन द स्पॉट होती है उसमें कोई चीज़ ऐसी आ सकती है कि हमने रहती हुई लेकिन उसके ऊपर कुछ पत्ता जो आने वाली बात रहती है उसको तो क्या उसके लिए आप कुछ हमें बताएंगे कि आप क्या विचार करते हैं। और एक चीज़ और जैसे आपने कहा कि नेचुरली गाना किसी का तैयार नहीं होता है तो आपके अपने अनुभव क्या है रियाज करने के पहले आपका गला कुछ अलग था फिर हिसाब से जब आपने सीखा या गला तैयार करने का अवसर है उसके बाद आपको अलग लगा कि आपका बाय नेचुरल ही ऐसा ही है आवाज़। मैंने पंडित देवधर जी से बहुत गहरी चर्चा की है उनसे मैं मिली हूँ और उन्होंने उस्ताद फैयाज खान साहब के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बहुत संस्मरण मुझे रिकॉर्ड करके दिए हैं और उन्होंने जो हमारे संगीत रत्न के रूप में जो जीवनी लिखी है उसमें खान साहब की भी है उसका मैंने पूरा अनुवाद किया है तो मैं वो बच्चों को हिंदी में इसलिए अनुवाद करके बताती हूँ कि वो मराठी समझ नहीं पाते तो उसमें इतना सुंदर सब कुछ दिख रहा था कैसे रियाज करना चाहिए, रियाज करना अलग है परफॉर्मेंस अलग है तो उस संबंध में मैं कुछ जानना चाहूँगा। बिल्कुल 4 घंटे का टास्क दिया हम 4 मिनट में इसके जवाब कैसे मिले नहीं चाहूँगी आपसे। तो सबसे बड़ी बात है कि 1-2 मिनट इनको मैं बता देता हूँ ताकि इनको मैं बहुत ही तकलीफ में बैठा दिया गया चीज है कि माय डॉटर है वे फुल लव एंड रिगार्ड एंड दिस स्पीशियस फॉर दैट। आपको मुझे डर भी लग रहा है यहाँ आपको मैं बताता हूँ बच्चों को खास तौर से अच्छी तरह पहले तंबूरा मिलाना और सही जगह में बताना और बजाने का अंदाज मैं आपको बताना एक सेकेंड आपको बताकर ये तंबूरा है ज्यादातर लोग ये लेके अगर पैदल चलते बोलते कि देखो सीताने के जा रहा है अभी हमारे देश में ये हालत है तो इस देश में क्या सर्वश्रेष्ठ देश को हमने अपने आगे एजुकेशन के लिए गलत जगह पर ले गया तो दिस इज ए तानपुरा वी हैव ओनली 4 स्ट्रिंग्स मगर वी हैव द होल वर्ल्ड इन दिस 4 स्ट्रिंग्स आपको मैं बताकर दिखा देता हूँ देखिए ये बाजा है ये सा बज रहा है आप देखिए रे तो हारमोनियम का सूर जो है ये लीनियर है और तंबूर का सूर जो है ये साइक्लिक है। साइक्लिक का एक लाइन होता है आउटलाइन मगर उसके अंदर जाने का कोशिश करना चाहिए लाइन पे बैठना नहीं चाहिए सर्किल का अंदर अगर घुस जाइएगा भगवान की मेहरबानी के अंदर तो सब कुछ होता जाएगा।
एक दुनिया बनाइए आपना, जो दुनिया श्रद्धा और विश्वास से तैयार हो। श्रद्धा, आप जो सवाल किया था कि प्रैक्टिस के ऊपर भी क्या है, मेरे ख्याल से आपने अनुभव है वो श्रद्धा और विश्वास है। अगर आप सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूं बोलूंगा, आप बोल पाइए, कभी गलत नहीं होगा और कभी अटके बन नहीं। जब तक सांस चलेगा तब तक स्वर नहीं अटके बन। जैसे मैं आपको बताता हूँ पांच स्वर, सदी बाबा आप इसमें रहूंगा, जब तक सांस रहेगा कभी अटके बन नहीं। बात करने से नहीं, ये बात करने वाली सब्जेक्ट नहीं है, ये करने वाली सब्जेक्ट है। जिसके लिए खासा बोलते हैं कि कर्तव्य का मतलब समझते हो, मैं बोला क्या खासा, बोले कर तब होगा, तब होगा। तो कर कितना कर, जब तक जगे रहते हो तब तक कर, जब तक सोने के लिए तुम बाउंड नहीं हो जाते हो, क्योंकि तुम सोने के लिए तुमको कोई उपाय नहीं है कि अभी इतना थकावट आने के सोना पड़ा तब सो जाओ, बाकी समय जब तक जागते रहते हो तब तक रियाज करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आजकल क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक जवाब यह है कि बच्चे लोग जब से शुरू हुआ हर काम करने के बाद, और उसमें बच्चों का भी गलती नहीं है जितना गार्जियन की है, वो चाहते हैं कि सब कुछ करो, करने के बाद थोड़ा म्यूजिक टीचर के पास जाओ और दो दिन में लता मंगेशकर बन जाओ, इतना आसान नहीं है। जब तक कोई बच्चा इसके लिए मरने के लिए तैयार ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मरने के लिए तैयार करने के लिए जो बाउंड करना, वो गार्जियन का काम है। हमारे देश में संगीत के मायनों में गार्जियन लोग 99% अनएजुकेटेड है, इसीलिए हमारा संगीत का भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें उतना श्रद्धा ही नहीं है कि हम इस चीज को लेके मर दो, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि पहले हमारा वो भी हो जाए, एक अच्छी गाड़ी भी हो जाए, चार तला एक फ्लैट भी हो जाए, फिर गाना भी बजाए और उसमें बड़े बड़े वाली खासा भी बन जाओ, इतना आसान बात नहीं है। इसके लिए करना पड़ता है। और ये कॉन्फिडेंस जो है, ये घमंड में कभी ना आ जाए, ये भी देखना है। जो हमसे हुआ है ये बहुत अच्छा है, मगर ये अल्टीमेट अच्छा जो है ईश्वर, उनके सामने ये एक भी है। जितना सक्सेस हो उतना अपने को एजुकेशन भी देना चाहिए, जितना भी हो रहा है इसको कुछ ना समझो, इसको बेकार समझो और उसको कोशिश करो, क्योंकि मरते दम तक जब बड़े बड़े वाली खान साहब के हमारे पास 75 घंटे की लाइव रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने खुद जाते वक्त बताया कि आप शरद से मध्यम बागेश्वर में कैसे जाने चाहिए थोड़ा थोड़ा पता चलता है, जबकि अल्लाह ने हमारा सारा जो एक मेहनत करने की जो अवस्था है वो ले लिया, मैं जिंदा क्यों हुआ, तब कुछ भी नहीं आया, कब आएगा मेरा बागेश्वर से। ये बड़े गुलाब अली खान साहब जो कि इस युग के तानाशाह माना जाता है, उनका कहना है ये बातचीत सुनना, ये उन लोगों को लेके सुनवाना, उसका चर्चा करना, ये कहाँ हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। और ये सबको देखिएगा, कभी भी कुछ प्रोग्राम होना तो हम एक बहुत यंगस्टर को मदद कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं, कुछ कागज में लिख देते हैं चार रहे, इसमें क्या होता है, उनको तंबूरा नहीं है अच्छा, उनको जवारी करना नहीं अच्छा आता है, उनको हारमोनियम की ट्यून नहीं मालूम है, यहाँ सा है तो यहाँ पा है मालूम नहीं, तो द्रे गए को ला मालूम है, ये भी मालूम नहीं, तो फिर क्या गाने बजाने में क्या मदद हो सकता है। मदद करने के लिए अपने को खत्म करना पड़ता है। जैसे मनीष कॉलेज में पंडित रतन शंकर जी अपने आपको बर्न किया था, तब जाके दूसरा कलाकार पैदा हुआ था। जैसे लाहौर में विष्णु दिगंबर परमेश्वर जी ने संस्था बना के अपने बच्चों को सिखाया, तब दो चार कलाकार पैदा हुआ। एक कल जैसे अलाउद्दीन बाबा, जैसे मेरे गुरु जी ज्ञान बाबू, एक एक दर्जन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कलाकार खुद घर में बैठ के तैयार किया, अपने को कभी अखबार में छपवाया नहीं, ना तो कुछ दिखाया। तो इसके लिए त्याग चाहिए,
हमें क्या मिलना है उसके पहले हमें क्या देना है उस बात पे नजर डालनी चाहिए। तो आपको मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी तरह के तालू में चाटता है। आप देखो मैं इसको दिखा दू, ये बेसुरा, ये बेसुरा हो गया, देखिए बेसुरा हो गया। अब इसका स्वर दीजिए जरा साफ साफ हो जाए। आप एक सेकंड, तंबुर को पहले जमीन पे रखना चाहिए, जमीन पे इस तरह रख के वजन से टू थर्ड डिस्टेंस, दिस इज फ्रॉम दिस टू ब्रिजेस, टू थर्ड डिस्टेंस पे बजाना चाहिए, तब जाकर अच्छा रिजोनेंस आता है। इसको मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो देखिए बजे के साथ पूरा भर के साथ साथ हमने दिमाग में लिया सा को। ऐसा नहीं है कि ये नहीं, आप देखिएगा 90% स्टूडेंट ऐसे इस तरह मिलाते हैं, दिस इज गलत। तंबरा एक रिजोनेंस दीजिए, दूसरा पंचम खरज कितना टाइम लगा। हमें 10 सेकंड लगा तो बच्चों का 2 मिनट देंगे इससे ज्यादा नहीं। 2 मिनट में तंबोरा नहीं मिलेगा तो उठा के फेंकना है बच्चे को भी। तो आप बात है कि कितना शौक इनमें है ये पहले देखना पड़ेगा, बात करने से नहीं। सर वो उसका साइंटिफिक रीजन बताएं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जमीन में रखना है, उसका साइंस क्या है मतलब? जमीन पे अगर नहीं रखेंगे तो वजन कैसे कान पे डालेंगे, तो स्लिप करेगा, क्योंकि 99% बच्चे यहाँ रख के मिलाना शुरू करते हैं, और वैसे जैसे आपने कान ऐंठ रहे हैं टाइप का, तो कान को तो जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको मिलाने का साइंस नीचे रखने से कान को टाइट कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें क्या है कि उसका जो रेजोनेंस है वो आप गोद में डालेंगे तो वो तो नम हो जाएगा, तो वो आप साथ उसकी ओवरटोन्स नहीं सुन पाएंगे, श्रुतियां नहीं आ सकती। हाँ, और क्या? तो एक हिच में क्योंकि हमारा पॉइंट मालूम है, एक हिच में उसको साथ ले जाना पड़ेगा। ये तंबूरा मिलाने का प्रोसेस है, हमारे देश में ये प्रोसेस कहीं नहीं सिखाया गया, ना तो मेरे गुरुजी ने सिखाया, ना तो किसी का गुरुजी ने किसी को सिखाया, क्योंकि हम हमेशा जब सीखना शुरू करते गुरुजी तंबूरा मिला के देते हैं, और कैसे मिला रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। मगर अगर आपको इच्छा है गुरु जी आप कैसे मिला रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट पहले बच्चों में होना चाहिए। अच्छा कोई स्टूडेंट मिले ना तो गुरु सही हो जाता है। गुरु को दोष नहीं देना चाहिए, अच्छा स्टूडेंट हो तो गुरु डर के मारे मरते हैं कि आगे पाप है क्या पूछ लेगा, जवाब अगर नहीं दे सकते क्या हो। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, संगीत के स्टूडेंट बड़े भावुक होते हैं और पूछने में भी कतराते हैं, वो पूछ नहीं पाते। नहीं ऐसी बात नहीं, जो अच्छे स्टूडेंट है अच्छे स्टूडेंट बराबर पूछे, इतनी पूछे वो कि कई दफा वो कहते हैं कि भाई हमको सोचना पड़ेगा, जवाब नहीं दे पाते। नहीं तो उसको पाठ्यक्रम में हिला दिया जाए, सुनिए किसी चीज को, क्योंकि ये इंडिविजुअल म्यूजिक है, ये जो राग संगीत है ना ये कोई कोरस म्यूजिक नहीं है कि पाठ्यक्रम के देने से ये होगा, ये इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग विद्यालयों में। हाँ। पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक छोटा सा नंबर जैसे परीक्षाएं होती हैं, तो तानपुरा मिलाने की मतलब का नंबर उसकी भी परीक्षा होती है। नंबर तो होगा, अगर परीक्षा कौन लेगा बताइए, तो लेने जाते हैं आप बताइए, मैं शांति निकेतन का बोर्ड में हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना, तो उसमें परीक्षा लेने के लिए क्या होता है, उसमें बोर्ड में मेंबर्स लेते हैं। ठीक है ना, वही ले
जैसे बच्चों की परीक्षा लेने जो भी टीचर्स जाते हैं तो बच्चों से कह देते हैं चला ठीक है आप गाना शुरू करो, तो तानपुरा कोई बजा रहा है और बच्चा गा रहा है, तो बच्चे से 5 मिनट देना चाहिए कि बेटा जो भी है जैसा भी है मिले ना मिले लेकिन आप मिलाओ इसको, तो पाठ्यक्रम में एक नंबर देगी इसमें मिलेंगे, तो वो दे दिया जाए तो बच्चों में इंटरेस्ट जागृत टीचर जहाँ सीखता है वो बच्चा जहाँ जिस पहले तो उनको मालूम होना चाहिए। हाँ तो उनको भी ट्रेनिंग दीजिए पहले। वही तो आप ना वर्ग में कैसे चलेंगे शिक्षा पद्धति को विद्यालय शिक्षा पद्धति को कोसा जा रहा है यहाँ पर, क्या शिक्षार्थी जो हैं जी उनकी भी बहुत सारी कमियां नहीं है कि केवल विद्यालय गलत है या विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर गलत हैं, वही तो मैं बोला शिक्षार्थी जो मैं तो यही बता रहा हूं वही बात ये ऐसा है आप लोगों की ये तर्क से आगे चल के हम चाहेंगे कि विद्यार्थी लोग उनकी अपनी प्रश्न करें क्योंकि उनकी शायद प्रश्न जो है उसके लिए बाद में हमें समय मिले, ये तत्व तो चलता रहेगा हम भी जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सेमिनार जो है ये शिक्षा पद्धति पे नहीं है वॉइस कल्चर पे, और वॉइस कल्चर पे कोई सवाल अगर रह गया जवाब नहीं दे सका तो फिर उनको खराब है। और सर ये अभी जो चर्चा चल रही है आपको मुझे बहुत खुशी कि आप जो कुछ बोल रहे हैं और विद्यार्थी लोग सुन रहे हैं, अगर ये बात कोई शिक्षक बताते हैं तो शायद उसका वजन कम हो जाता है, आप बता रहे तो वजन ज्यादा है, ये बात सच लगती है, लेकिन वॉइस कल्चर के बारे में भी आप बता दीजिए ताकि विद्यार्थियों को पूरा सेटिस्फेक्शन हो कि जो भी बताया जाता है सही बताया जाता है। आप देखिए वॉइस कल्चर की एक बात मैं बताता हूँ, वॉइस कल्चर में कई चीजें हैं, एक हमारे बड़े भाई साहब इन दादा जी ने बोला कि हवा के बारे में कुछ बताइए, सबसे बड़ी बात है कि वॉइस क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग है इसीलिए वॉइस में क्या है शब्द गले से निकलने के लिए क्या क्या चाहिए, एक वॉइस और एक हारमोनियम करीब करीब एक ही जैसा इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए अंदर बाहर से हवा आता है अंदर गले में जाता है फिर अंदर गले से वो छेद है वो रीढ़ पे आता है तो रीढ़ बचती है, हमारा भी नाक और मुंह से हवा अंदर लंग पर जाता है और उससे जब निकल के बाहर आता है वो हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसको पोजीशन हम देख नहीं पाते, बल्कि हम तो देखने का इंतज़ाम किया, अब हमें बहुत ज़रूरी है कि वोकल कॉर्ड कैसे काम करता है किसी ENT स्पेशलिस्ट से भी उसके बारे में चर्चा हो, क्योंकि हमारे किसी पाठ्यक्रम में या कार्यक्रम में इसका संयोजन नहीं है, अगर बच्चा देख पाता कैसे सीता बजता है हम देखते हैं और गला कैसे बजता है किसी ने देखा नहीं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने देखा हो हमने जो रियाज किया उसमें जो विचार किया सबसे जरूरी है उसका उन्होंने जो बोला कि बेटा आकार के अभ्यास करो, तो आकार के अभ्यास क्यों करो, क्यों एकार के अभ्यास कम करो, क्यों उकार के अभ्यास कम करो, ये तो किसी को पूछने से उसका जूता मार के निकाल देगा, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ करो, मगर उसका साइंटिफिक एनालिसिस जो है ये किसी के पास से हमें मिला नहीं, तो इसमें मैं बहुत सोच विचार किया और क्यों सही करो और सही करने का तरीका क्या होगा, कैसे आकार को सही किया जाए, क्योंकि आकार के नाम पे कोई ये भी बोलते हैं कोई ये भी बोलते हैं कोई ये भी बोलते हैं कोई ये भी बोलते हैं, तो ये अपने अपने गुरुओं ने आकार के बारे में बोल दिया उनका एक्सपीरियंस है, तो आ कैसे सही होगा और क्यों आकार की जरूरत है इसके बारे में मेरा जो सिद्धांत है वो इसीलिए जरूरत है क्योंकि सर्वग्राम जो है इसमें 7 स्वर है, 7 स्वर है सारे गांव का धन, अब देखिए उसमें सा गा मा पा धा 5 स्वर आकार है, अगर आ सही नहीं होगा तो ये 5 स्वर का उच्चार जो है ये गलत होगा, जैसे गरे गरी सर गरे सर नी नव धर पर गरे 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 गर
गलत है। तो उच्चार आकार का उच्चार आ से हम सीखेंगे। गरे गा बा धा रे सा रे गा रे सा रे धा रे सा रे धा बा सा रे बा धा मा धा बा गा रे बा गा बा रे सा रे सा। और ब्लंट हो तो सुनने में खराब लगता है। तो इस बीच में एक सेंस ऑफ आर्टिस्ट्री को नजर रखते हुए और आकार को सही करने का इसीलिए जरूरत है कि स्वर का उच्चार बिना आकार के सही किया हुआ गलत होता है। फिर सारे तान की जो डिस्टॉर्शन है वो आकार के लिए ही आता है। सुर का स्थान भी अलग हो जाता है आकार भी अगर गलत हो तो। ये आकार कैसे सुधारा जाए? आपके किसी के दिल में कुछ जवाब है आकार सुधारने का क्या तरीका है? श्वास पूरी बहुत ज्यादा लगती है आकार में गाने के लिए। मतलब कैसे आप बताइए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू करेक्ट योर आकार? आपके किसी के दिल में अगर कुछ जवाब है आगे पीछे के सुरों का अनुरणन अच्छे से होना चाहिए। नहीं, आ उच्चार विभवन है ना, पांच भवन। आकार है आ कैसे सही करना है आ? इसका किसी जवाब किसी से मुझे मिला नहीं। फिर मैं इसके बारे में किताब भी लिखा। पूरा बोलना चाहिए कैसे आपका लिखिए। किसी ने किताब में लिखा है एक इंच मुंह खोलो, किसी किताब में लिखा है कि डेढ़ इंच मुंह खोलो। वो जिसका जैसा मुंह होता है उस हिसाब से। वो उस हिसाब से हिसाब कौन ठीक कर देगा? तो कानों को कान प्रमाण नहीं। कान तो प्रमाण हो नहीं रहा, बस आकार सही नहीं हुआ आजकल। तो कान प्रमाण हुआ नहीं, प्रूफ। सिवाय गड़बड़ा में लिखा साहब इतना सही आकार किसी के गले से लगा नहीं, इसलिए एक्सपेरिमेंट प्रूफ। तो आकार कैसे करना है इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो कि हर एक आदमी को फायदा देगा। वो है जब इंसान पैदा होता है किनको देखता है सबसे पहले? माँ को। अब माँ खोल के बोलिए आपको आकार से और भी एक बात देखिए, मुंह जब बंद होता है खोलिए माँ दूसरा शब्द नहीं निकलता है। इसीलिए पहला जिनको आप देखते हैं उनका नाम भी भगवान ने शायद मां रखा क्योंकि दूसरा शब्द निकलते ही नहीं। यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इन्होंने मां कहा, मां इसलिए कह रहे कि नेजालिटी नाक का इस्तेमाल आवाज नहीं होने से वो उस सोनोरस नहीं होता, उसमें सुर का भाव नहीं आता है। मां बोलने में आपको लेना पड़ेगा नाक का भाव। और नाक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू प्रोड्यूस योर म्यूजिकल साउंड। अगर आप बोलिए ब्लंड आ कि आ यहां की आवाज आए मां में ये आवाज आती है। तो और जितना मां का नाम लीजिएगा उतना पुण्य भी है। और ऐसा मैं ये भी सिखाता हूँ कि बगल वाले कमरे में माँ बैठी है उनको जोर से खुलाओ तब क्या होता है मुंह खोलता है। और जितना जितना मुंह खोल रहा है वो आईने के सामने खड़े रहो और देखो क्योंकि कोई भी आदमी माँ या वो नेचुरली माँ को बुलाते हैं। And Indian music is dependent on natural thrusta. So Indian music सीखने के लिए माँ को बुलाना अपने पुण्य के लिए, श्रद्धा के लिए और संगीत के लिए जरूरी है। इसीलिए हिंदुस्तान के माँ हर देश का माँ से अलग है। मैं आपको पहले ही बोला। तो माँ अगर आप खोल के बोलिएगा तो आपका आवाज सुधर जाएगा और आईने के सामने खुली आकार का रियाज होना चाहिए। इसके बाद डिस्टॉर्शन नहीं है काम तो है। देखिए मैं काम पकड़ के बोल रहा हूं, ऐसा मत समझिए मैं किसी को कोई गलत बोल रहा हूं। अगर किसी कलाकार में ये दोष है
कि उसके लिए उनका कोई दोष नहीं है। हमारे देश में ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस नहीं था, इसलिए विचार इतना नहीं हो पाया। ये किसी का गलती नहीं है कि मैं खुद सही हूँ और सारे लोग गलत है, ये सब बात बहुत झूठ बात है, बहुत अश्रद्धा का बात है, यहाँ पर ही नहीं बोलना चाहता। मगर आपको आज से इसको फायदा मिलेगा, आई कैन गारंटी 100% आकाश सुधारने के लिए। और भी जरूरी का जरूरत है आकाश को सुधारने के लिए, क्योंकि जो आदमी ज्यादा निराश करेगा उनका वोकल कॉर्ड जो है बहुत स्ट्रेन होगा। सबसे कम स्ट्रेन होता है आकार प्रैक्टिस करने में, क्योंकि उनमें मुंह खुला रहता है, हवा कम प्रेशर देता है वोकल कॉर्ड को। आप बोल के देखिएगा खुद, ये अंदर जाता है हवा, अंदर जब हवा जाता है तो वोकल कॉर्ड को स्ट्रेन करता है, और जब बाहर हवा आती है देखिएगा आपको कोई स्ट्रेन वॉइस में नहीं आता। इसीलिए आकार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देके रियाज करना सबसे जरूरी है। मगर हमारे घराने में आकार नहीं गाया जाता, बस आप बोतल में घुस गए और बाकी कभी कभी गुंजाइश नहीं रहा। अगर किसी का आवाज खराब है, किसी की गले में फैलेंगे या किसी वो आ नहीं गए सकते, फट जाएगा, तो इसीलिए उनको आवाज अपने लिहाज से बनाना पड़ता है, बना के एडजस्ट करना पड़ता है। मगर वो अगर गायकी बहुत अच्छे से लोगों को दिल मोहित किया, उसका मतलब नहीं है कि दैट इज द आइडियल वॉइस टू प्रैक्टिस टू लर्न। और जो आपने पूछा पहले कि रियाज में और गाने में, ये जो पॉइंटों का मैंने बताया, ये सब रियाज की चीज है। ये रियाज की चीज है, अगर ये गाइएगा तो लोग पत्थर बने। मगर इसी से तो लोग बोलेगा क्या बात है। तो और आपके खुद के दिल में जब तक शांति और आनंद पैदा ना हो, इसका हिस्सा श्रोताओं तक नहीं जा सकता। सबसे पहले खुद को पहला लिसनर समझकर गाना गा के सुनना चाहिए। ये दूसरी बात मैं आपको जो फाइनल जवाब दे रहा हूँ कि कलाकार को सोचना चाहिए कि मेरा गाने का पहला लिसनर मैं हूँ। हम लोग जब रियाज करते हैं अपना गायन कभी सुनते नहीं, अपना गा जाते हैं, मगर उसको सुनना बहुत जरूरत है। टेप रिकॉर्डर मशीन आया है, उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, दूसरे का रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, खुद को सुनो। वीडियो रिकॉर्डिंग खुद को करो, करके देखो कितना बेहूदा लगता है, तब सुधारने का गुंजाइश भी होती है। साइंस से, टेक्नोलॉजी से हमें मदद लेना चाहिए, उसको हम मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। टीवी एक इतनी अच्छी चीज है, उसके जरिए हम रिकॉर्डिंग करके टीवी की स्क्रीन पे अपने को देख सकते हैं, अपना आकार आ आ आ आ आ लोग बोलते हैं इतने बड़े पंडित है, मगर लोग सुनते नहीं, क्यों सुनेंगे, तो आगे आगे करते रहे तो कौन सुनेगा। और जब शब्द इसी से गलत हो जाता है, सुनेंगे पिया परदेश गए, एक तो दुख उस पर नहीं है, फिर अब आया है नहीं है, फिर शब्द तो लोगों को धमक भी दिया जा रहा है, और फिर लोग बैठ भी रहेंगे, लोगों को मैं भला नहीं। तो ऐसा ना हो कि अपना विचार को हमने अंधा बना के लोगों को दुख दिया। तो पहले श्रोता खुद को बना के अपने को जज करने का एक आदत बनानी चाहिए, आईने के सामने रिकॉर्ड करके ऑडियो वीडियो बोथ उसका फायदा लेके बना के चलना चाहिए। आज मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया। हाँ एक सवाल आखिरी अच्छा एक बच्चे का पहले अच्छा बच्चे का पहले हाँ बोलो। हेलो सर, मैं राष्ट्रीय विद्यालय से आई हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि आप सफलता की इस ऊंचाई में पहुंचे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया? सबसे ज्यादा सहयोग इनकी मेहनत ने, 12 घंटा 14 घंटा करके, ये मुझे मालूम है जाती तौर पे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 12-14 घंटा अगर आप बगैर कुछ
खाए पिए अगर रियाज कर सकते हैं भूखे पेट, तो ये सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये इन्होंने अब तक बताया भी है, अपने नाम से नहीं बताया। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मैं क्लासिकल नहीं जानता, कोई जरूरत नहीं जानने की, लेकिन आपके प्रोग्राम सुनने के बाद मेरे जैसे कई नाहे लोग जब आप करतार बोलते थे तो लोगों की आंखों से आंसू निकल गए। इसका क्रेडिट हमारे देश का संस्कार का है। मैं तो बंदा हूँ, मैं तो नौकर हूँ संगीत के, अगर ऐसा कुछ हुआ तो और भी एक तरह प्रूफ होता है कि संगीत कितना महान है और हमें कितना इज्जत के साथ इस संगीत को बचा कर रखने का जरूरत है। ये अगर क्लासिकल जानने वाले उनको अच्छा लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है, जो इससे मुतासर नहीं है, जो इससे मुलव्वस नहीं है, वो कल ऐसे कुछ शायर बैठे हुए थे, साहित्यकार बैठे हुए थे, उनमें से एक साहब ने आज मुझसे कही कि ये कौन साहब है भैया, जब ये करतार बोलते थे तो मेरे आँख से आंसू आ गए। तो मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि स्वर ईश्वर की दी हुई चीज है। अभी दादा ने भी कही, आपने भी बार बार, कल से मैं सुन रहा हूँ कि आपका गाना आध्यात्मिक गाना है, वाकई ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक गायन के लिए क्या क्लासिकल ही जरूरी है, शास्त्रीय गायन भी जरूरी है, गजल गाना जरूरी नहीं है क्या, या गीत गाना जरूरी नहीं है क्या, या कव्वाली गाना जरूरी नहीं है क्या, क्या इनमें ऐसी बातें नहीं हो सकती है क्या, या होती है तो आपके आपके दिल में इसके बारे क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है? क्षमा करें, मैं अपने जब तक अपने तंबूरा संभाल रहे हैं, मैं आपसे एक चीज बता दूं, ये क्लासिकल गाना हमारे देसी संगीत से ही बन के आई है, तो ऐसा नहीं, ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब बाकी ये बताते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप सबको, हम हिंदी फिल्म हर चैनल में चलती है, हर दिन कोई भी अगर कोई बोले कि माधुरी दीक्षित को कैसा दिखने में, सब लोग बोलेंगे अच्छी। कोई लोग ऐसे नहीं होंगे कि माधुरी दीक्षित बहुत बेकार है, कोई लोग नहीं होंगे दुनिया में। अगर कोरिया में जाके पूछिए, इंडोनेशिया में जाके पूछिए, अमेरिका में जाके पूछिए, माधुरी दीक्षित इज ए गुड लुकिंग लेडी, ये सब लोग सहमत होंगे। तो क्लासिकल म्यूजिक या दूसरे किसी भी म्यूजिक जब दिल में असर पैदा नहीं कर सकते, वो संगीत ही नहीं है, और उसके लिए समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वेटिकन सिटी में जाइएगा और लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो का जो काम किया हुआ देखिएगा, मैं तो कम से कम 7-8 दफे गया। मैं वहाँ जब जाया गया तब मैं समझता हूँ मेरा इतना थर्ड क्लास गाना कब ठीक होगा, कब ऐसा गाना हो सकता है, कब मेरा सा ऐसा लग सकता है कि हम आके हटा नहीं सकते। तो ये तो आप किसी भी लाइन में जहाँ सुर करेक्ट है, जहाँ लय करेक्ट है, जहाँ विश्वास और श्रद्धा करेक्ट है, सच्चाई से बनी हुई है, वो गाना लोगों को दिल का आकर्षण करेगा, चाहे वो ख्याल हो, चाहे वो ध्रुपद हो, चाहे वो कवाली हो, चाहे वो गजल हो, चाहे कुछ भी। ये तो एक इनसिक्योरिटी से किसी चीज को खराब बोलना पड़ता है, दिस इज अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। मैं आपको एक लाइन लिखता हूँ ताकि इसी से हम कार्यक्रम समापन करेंगे। हालांकि इतना श्रद्धा से सुनने वाले श्रोता भी बड़े कम होते हैं। प्रॉमिस किया था कि जब तक दुनिया के हर कोने में लोग ख्याल लेकर के ना
जाने तब तक एक भी गजल में बाहर लोगों के सामने नहीं गाऊंगा, किसी कारण को मैंने प्रॉमिस किया था इसीलिए नहीं गाता हूँ, मगर आपको सिर्फ सुनाता हूँ क्योंकि गुलाम अली भाई का दो चार गजल मैं भी कंपोज करके उनको दिया और रिकॉर्ड किया। मैं इस चीज़ को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये जो गायन है, ये जो आजकल की जो गजल गायक है, जो मेहदी हसन जी से शुरू हुआ है, ये बड़गुलाम अली खान साहब और बरकत अली खान साहब का गायकी का बाई प्रोडक्ट है। उसी गायकी के साथ ही ये गायकी गाया जा सकता है, वरना दूसरे किसी घराना पंडित उस्ताद बोलने से नहीं होगा। ये गायकी उनकी गायकी से जुड़ा हुआ है और उन्हीं से उनकी उनकी गायकी मतलब क्या है और बाकी लोग क्या कम थे, नहीं, मगर अंदाज सोच और गले को मूव करने का जो तालीम और वॉइस कल्चर उनका था उसी का बाई प्रोडक्ट ही गाना था। आप देखिए अपने तस्वीर मैं बनाऊंगा, कॉम्पोज किसी ने कर दिया, कर भी दीजिए कॉम्पोज, मगर तस्वीर तो मैं बनाऊंगा, अपनी तस्वीर को आंखों में लगा कर क्या है, अपनी तस्वीर को केवल ख्यालात से बनी हुई ख्याल गायकी का और ठुमरी गायकी का तालीम जिनका है और सही तालीम है वही ये गाने को बना के गा सकते हैं, वरना नकली जिंदगी को करना पड़ेगा वो भी 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 होगा। कोई भी गाना छोटा बड़ा नहीं है, अगर इस अगर आप कहेंगेगा कि जब राम नाम कर गावे जब राम नाम जब राम नाम अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें नहीं है श्रद्धा, जो होता है वो भक्ति से होता है, उसमें शांति है, जैसे भगवान के सामने आप बोलते हैं हे भगवान हमें कृपा करो, ऐसे मुझे बता क्या उस पर ठहराव की जरूरत है। जैसे कि शांति है, जहाँ शांति है वहाँ वो उसको इस तरह मत पाएगी। जैसे गाना जो है ना ये हवा के साथ तस्वीर बनाना है, गाना कोई क्रिया नहीं है, हवा को तस्वीर बनाने का नाम है गाना, और तस्वीर बनाना जो है वो रुचि पे निर्भर करता है, इसकी तस्वीर किस तरह बनाओ उसके लिए शिक्षा की जरूरत है, और जो काम करता हूँ वो श्रद्धा से करना है, उसके लिए भगवान को भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए, अपने माँ बाप के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और अपने सबके प्रति जो हम प्यार करते हैं तो उन सबके प्रति श्रद्धा चाहिए, तब जाके हो सकता है। जैसे मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आज भी विदा लेता हूँ, धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग और आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी कोलकाता के सहयोग से त्रिदिवसीय संगीत समारोह के सभी कार्यक्रमों में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की ये कार्यशाला संपन्न हुई, आप सभी संगीत प्रेमियों को हम ये सूचना दे दें कि आज संध्या 6:30 सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में आप उल्हास कुशलकर, पंडित उल्हास कुशलकर का गायन सुनेंगे और पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आज की ये कार्यशाला जो वॉइस कल्चर पर आयोजित की गई थी, वॉइस कल्चर पर केंद्रित थी, ये अब संपन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप उनको क्षमा दीजिए और शुक्रिया उनका जी। तो उनको आपको एक्सपीरियंस याद है क्या हुआ स्टेज से भाग दिया है, इसलिए इस बार हमने पूरा अच्छा ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उनका बहुत अच्छा आयोजन रहता है, आपका बहुत अच्छा रहता है। संस्कृत में भी तो आप आए थे विश्वविद्यालय, 15 मिनट और बैठ सकते हैं, हमको लग रहा है 15 मिनट का लॉस हो गया। शाम को तो आप लोग आ रहे हैं, हम लोग ने कहा कि स्पेशली आप लोग आ जाए, लगातार राजनंद गाँव से भी लोग आ जाए, कि लोग बिलासपुर से आ जाए, मैंने जहाँ वो क्या है कि संस्थाएँ जो है लगभग मूर्छ स्थिति में और विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए ये कितना लाभप्रद है, ये समझाने में हमको एक हफ्ता लगा। लेके वहाँ पर जो पॉलिटिक्स चलते हैं, राजनीति चलती है, जब तक छात्र शिक्षक एक साथ अगर उसको निपटे ना तो यूनिवर्सिटी में तो ऑफर करना चाहिए क्या? नहीं, हम लोग जो कह रहे थे राजेश्वर आचार्य आए थे, ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य हैं, वो भी आकर बता कर तो गए, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, नहीं किया, सुन लिया, समझ लिया। मैंने इसी कारण उसके बाद निरंतर हम उनके अपना पत्र व्यवहार का पता हमको मिलता है, अच्छा पत्र लिखे तो जवाब नहीं मिलता। इस बार अभिजीत मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको जितने टेलीफोन नंबर जितने एड्रेस चाहिए मैं खुद दे दूंगा, ठीक है? सर हम लोग के पास भी एड्रेस पूरे इंडिया के सारे आर्टिस्ट हैं ना, नहीं असली में लोग नहीं मिलते क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं। हम लोग सोच रहे थे एक मंच पर बीच बीच में लोग इकट्ठे होते रहे तो आपका हैरागढ़ में इसकी के चैनल खुलवा देते सर, खुलवा दीजिए। आर्टिस्ट हम लोग पास बहुत हैं, जो आप बुलाएंगे हम बुलाएंगे। रायपुर में जो स्पीक में के लेकिन क्या है आप लोग उसको सुनने को नहीं मिल रहा है, उनके राजा सदन आया था उसमें बहुत छोटे थे वर्ड्स हैं, ये बहुत अच्छे गाँव, ये दोनों मिल जाए, किसी के पास वर्ड्स नहीं है, इसलिए उनके पास क्या था 7 साल का था मेरा उसमें सुन लिया था। आप उसको फंड दे उसके बाद आपका कुछ आर्ट उसको सुनने को नहीं, हम अच्छे कार्यक्रम करेंगे आप बोले तो पास उसके बाद आप हमको फंड दीजिए, हम रेगुलर कार्यक्रम हम करेंगे, लंबा अंतराल हो रहा है और सार्थक है, सार्थक भी है। नहीं मैं नहीं मैं कल का आज का बहुत ही सार्थक है, बहुत ही सार्थक है। Yeah.